1 लाख, ये एक ऐसा बजट है जो हर बाइकर चाहता है कि उसको 1 लाख में एक अच्छा अफोर्डेबल ऑप्शन मिल जाए, जहां पर उसकी बाइक अच्छी परफॉर्मेंस दे दे, अच्छा माइलेज दे दे, ताकि उसकी जो डेली कम्यूटिंग है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो भाग दौड़ है वो आसान हो जाए, ताकि आप लोग जो कॉलेज वगैरह जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, डिलीवरी वगैरह करते हैं, या फिर डेली किसी भी तरह के काम करते हैं और बाइक से जाना चाहते हैं, तो आप लोग ऐसी बाइक की अगर तलाश कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ बाइक की सभी डिटेल्स मेरे साथ। तो मेरा नाम है फराज। तो आइए आज बात करते हैं टॉप बाइक्स के बारे में जो आती है अंडर 1 लाख रुपीज 2023 के अंदर। जानेंगे सभी डिटेल्स, बने रहिएगा आज के इस वीडियो में। तो इस लिस्ट की पहली बाइक है बजाज प्लैटिना 100cc के साथ। ये बाइक बहुत ही अच्छे माइलेज के लिए जानी जाती है। बजाज की एक एंट्री लेवल कम्यूटर मोटरसाइकिल है। इस बाइक के अंदर 4 वेरिएंट्स मिलते हैं और 4 कलर ऑप्शंस दिए जाते हैं। बाइक के अंदर जो इंजन है वो काफ़ी भरोसेमंद है, काफ़ी सालों से प्लैटिना के अंदर आ रहा है। 102cc वाला ये इंजन 7.79 bhp की पावर जनरेट करता है, 8.34 nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस बाइक के अंदर जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ही अच्छा माइलेज मिलता है। माइलेज कितना मिलता है, बाइक आपको 75 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक इजीली पर लीटर माइलेज दे देती है। साथ ही आप लोग इस बाइक को अगर आप इसमें फ्यूल टैंक फिल करवाते हैं तो आप लोगों को तकरीबन 11 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। बाइक काफ़ी कॉम्पैक्ट सी है, पतली सी है, तो बाइक का वेट भी काफ़ी हल्का है, जो कि 117 केजीज का है। 117 केजी का खाली इसका वेट है। और इस बाइक के अंदर जहां पर फीचर्स की बात होती है तो बाइक में आप लोग को फ्रंट डिस्क वाला मॉडल भी मिलता है। फ्रंट में आप लोग को टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए जाते हैं, रियर में आप लोग को ड्यूअल शॉक एब्जॉर्बर्स दिए जाते हैं। इससे होता यह है कि आप लोग अगर रोज़मर्रा में ज़िंदगी में आप लोग इस बाइक को चला रहे हैं तो आप लोग को एक सॉफ्ट कुशनिंग मिलती है, एक अच्छा कंफर्ट मिल जाता है। आप लोग डेली इस बाइक को चलाएंगे तो थकेंगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बाइक लाइट वेट भी है और इस बाइक के अंदर आप लोगों को कंफर्ट भी काफी अच्छा मिल जाता है। प्राइस की बात करता हूं तो इस बाइक का प्राइस 62,000 रुपीस से स्टार्ट होता है। इसका बेस मॉडल है जहां पर आप लोगों को ड्रम ब्रेक्स मिलती है, एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, बट इसके टॉप मॉडल में आप लोगों को 81,000 रुपीस का ये ऑन रोड डेली प्राइस पड़ता है और ड्रम ब्रेक्स के साथ आप लोगों को एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। और फ्रंट में आप लोगों को डिस्क ब्रेक वाला भी ऑप्शन आता है जो 75,000 रुपए का पड़ता है, जो कि प्लैटिना 100ES डिस्क के नाम से आ जाता है। हीरो की HF डीलक्स एक बहुत ही भरोसेमंद मोटरसाइकिल है। ये बाइक अपने ब्रांड नेम की वजह से काफ़ी मशहूर है, क्योंकि ये बाइक भरोसे के लिए जानी जाती है और हीरो का नाम ही काफ़ी है जहां पर भरोसे की बात होती है। इस बाइक के अंदर 5 वेरिएंट्स मिलते हैं, 10 कलर ऑप्शंस आप लोग को मिल जाते हैं। इस बाइक के अंदर जो इंजन है वो 100cc से भी कम का मिलता है, जो 97.2cc का है। इस बाइक के अंदर पावर थोड़ी सी कम मिलती है, जो 7.8 bhp की है, और टॉर्क आप लोग को ठीक ठाक मिल जाता है, जो 8.5 nm का है। बट प्लैटिना के मुकाबले इस बाइक के अंदर आप लोग को जो फ्यूल टैंक है वो 11 लीटर का नहीं बल्कि 9.1 लीटर का ही मिलता है। बट साथ ही एक पॉजिटिव चीज ये भी है कि बाइक का जो वेट है वो प्लैटिना से हल्का है, मतलब आप लोग रोज चलाइए इस बाइक को थकेंगे नहीं। 112 केजी का इस बाइक का वेट है, 9.1 लीटर का इस बाइक में फ्यूल टैंक मिल जाता है। बट फीचर्स के मामले में इस बाइक के अंदर काफी सारे फीचर्स मिलते हैं, क्योंकि इस बाइक के अंदर आप लोग को मिलता है आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम। मतलब ये होता है कि अगर आप लोग इस बाइक को ट्रैफिक में लेके जाएंगे और आप लोग ट्रैफिक देख के बाइक जो है वो रुक जाती है और आप लोग अगर सामने इसको क्लच को दबाते हैं तो आप लोगों को सेल्फ दबाने की जरूरत नहीं है, ये बाइक अपने आप स्टार्ट हो जाती है, जिससे आप लोगों का पेट्रोल भी बचता है और आप लोग की जो राइड होती है वो और भी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। बार बार गाड़ी को बंद नहीं करना पड़ता है, ऑन नहीं करना पड़ता है। ये सारा काम इसकी i3s टेक्नोलॉजी और एक्सेस टेक्नोलॉजी की मदद से हो जाता है। एक्सेस टेक्नोलॉजी में इसको बहुत अच्छा दिमाग दिया जाता है बाइक के अंदर, जिससे पावर को पूरा कैलकुलेट करने के बाद अच्छा माइलेज की पूरी पूरी कोशिश ये बाइक करती है, क्योंकि इसके अंदर सारी चीजें कैलकुलेटेड एक सिस्टम के जरिए आपको मिलती है। बाइक का माइलेज जो है वो 70 किलोमीटर के आसपास आप लोगों को पर लीटर मिल जाता है। बाइक के अंदर आप लोगों को किक स्टार्ट का भी ऑप्शन मिलता है और सेल्फ स्टार्ट वाला भी ऑप्शन मिलता है। काफी सारे वेरिएंट्स बाइक के अंदर आ जाते हैं। 4 स्पीड वाले मैनुअल गियरबॉक्स के साथ ये बाइक आती है, जहां पर बेस मॉडल का प्राइस जो है वो 69,000 रुपीस का पड़ता है ऑन रोड डेली, और ड्रम ब्रेक्स वाला एलॉय व्हील्स वाला ये मॉडल है। स्पोक व्हील्स के अंदर नहीं मिलते हैं, एलॉय व्हील्स के अंदर मिलते हैं। और जो टॉप मॉडल है वो आप लोगों को 81,714 का, यानी 81,000 रुपीस के आसपास आप लोगों को डेली के अंदर ऑन रोड पड़ जाता है, जिसके अंदर आप लोगों को i3s वाली टेक्नोलॉजी मिलती है, जिससे आप लोग की बाइक जो है अपने आप बंद हो जाती है, क्लच दबाने से स्टार्ट हो जाती है। जो टेक्नोलॉजी है i3s वाली वो आपको इसके टॉप मॉडल के अंदर मिलती है, जहां पर आप लोगों को ड्रम ब्रेक्स एलॉय व्हील्स भी मिल जाते हैं।
टीवीएस की रेडियन एक बहुत ही अलग मोटरसाइकिल है, क्योंकि इस बाइक के अंदर आप लोगों को काफी सारे कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। तकरीबन 12 कलर ऑप्शन इस बाइक के साथ मिलते हैं, जहां पर आप लोगों को इंजन का कलर भी ब्लैक नहीं बल्कि गोल्डन कलर का मिल जाता है, जो काफी अपने आप में अलग है। बट इस बाइक के अंदर सिर्फ कलर ही अलग नहीं है बल्कि इस बाइक की जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा अपीलिंग है, सबको पसंद आता है, बहुत ही डिफरेंट सी ये बाइक नजर आती है। बट अगर आप लोग एक अच्छे लुक्स के साथ एक अच्छी परफॉर्मेंस वाली बाइक चाहते हैं तो आप लोग इसके लिए जा सकते हैं, क्योंकि इस बाइक के अंदर आप लोग को 110 सीसी वाला इंजन मिलता है, जो ज्यादा पावरफुल भी है। 8.8 bhp की पावर देता है, 8.7 Nm का टॉर्क मिल जाता है। नया इंजन जो है इस बाइक के अंदर 15% ज्यादा माइलेज देता है, तकरीबन 70 से 75 किलोमीटर के आसपास आप लोगों को इस बाइक के अंदर माइलेज मिल जाएगा। बाइक का इंजन 110 सीसी का है, पावरफुल भी है, माइलेज भी अच्छी दे रहा है, और साथ ही फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी भी मिल रही है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस बाइक के अंदर और भी फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे आप लोग को साइड स्टैंड इंडिकेटर मिल जाता है, मतलब आप लोग को साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ मिल जाता है, USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, मतलब मोबाइल वगैरह के लिए आप लोग को पावर बैंक रखने की जरूरत नहीं है, मोबाइल को बाइक में आप लोग ने USB केबल से लगाया और आपने मोबाइल को इजीली चार्ज कर लिया, क्योंकि USB पोर्ट्स के अंदर दिया हुआ है, ऑप्शनल है, आप लोग लगवा सकते हैं। LED DRLs मिल जाती हैं, LED वगैरह भी बाइक के अंदर मिल रही है, तो लुक्स का काफ़ी ध्यान रखा गया है, पावर तो अच्छी मिल ही रही है, और TVS आप लोग को भरोसे के लिए जानी जाती है। पर अगर बात करता हूँ थोड़े से स्पेसिफिकेशन की, तो बाइक का जो वेट है वो 113 kg का है, और जो फ्यूल टैंक है वो आप लोग को HF D-Rex से ज़्यादा मिलता है, जो तकरीबन 10 लीटर के आसपास है, और बाइक का जो माइलेज है वो मैंने बताया 70 से 75 किलोमीटर पर लीटर के आसपास आप लोग को पड़ जाता है। अब बाइक का प्राइस क्या है, बाइक के अंदर आप लोग को दो तरह के वेरिएंट मिलते हैं, जहां पर आप लोग को ड्रम वाला ब्रेक भी मिलता है अलॉय व्हील के साथ, और डिस्क वाला ब्रेक भी मिलता है अलॉय व्हील्स के साथ। बट जो बेस मॉडल है उसका प्राइस 75,000 रुपीज के आसपास ऑन रोड दिल्ली में स्टार्ट हो जाता है और 95,000 तक चला जाता है ऑन रोड दिल्ली, और ये प्राइस जो है टॉप मॉडल इसका डिस्क ब्रेक वाले मॉडल का है, जहां पर आप लोग को डिस्क के साथ अलॉय व्हील्स भी मिल जाते हैं। तो अभी हाल ही में होंडा ने अपनी शाइन को लॉन्च किया है 2023 के अंदर। इस शाइन को 100 सीसी के साथ लॉन्च किया गया है, जहां पर बाइक के अंदर एक कॉम्पैक्ट सी स्टाइलिंग मिल जाती है, काफ़ी डिफरेंट से लुक है, एक ही वेरिएंट दिया जाता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करी गई है। 5 कलर ऑप्शन के साथ ये बाइक आती है, जहां पर पावर तो आप लोग को 7.61 bhp की मिलती है और टॉर्क 8.05 Nm का मिल जाता है। माना ही जाता है कि यह होंडा की सबसे अफोर्डेबल बाइक है, जहां पर आप लोग को 100 सीसी के अंदर इलेक्ट्रिक स्टार्ट मिलता है इंडिया के अंदर। साथ ही अगर बात करते हैं इस बाइक में फीचर्स वगैरह क्या मिलते हैं, तो बाइक के अंदर आप लोग को हेलोजन वाली लाइट्स मिल जाती हैं, फ्रंट में आप लोग को टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं, रियर में आप लोग को जो डुअल शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं वो दिए जाते हैं बाइक के अंदर, जो मीटर वगैरह है वो आप लोग को एनालॉग वाला ही मिलता है, डिजिटल नहीं मिलता है। ट्विन पॉड है जो एनालॉग वाला होता है, इसके अंदर आप लोग को स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, जो मीटर जो न्यूट्रल वगैरह का होता है वो भी दिखाई पड़ता है, साथ ही फ्यूल इंडिकेटर्स मिलते हैं और इंजन वार्निंग लाइट जैसे बेसिक फीचर्स बाइक के अंदर दिए जाते हैं। एक अफोर्डेबल बाइक है, बहुत ज्यादा फीचर्स बाइक के अंदर होंडा ने ऑफर नहीं किए हैं, बट जो बाइक का प्राइस है वो इसको अफोर्डेबल बनाता है। इलेक्ट्रिक स्टार्ट ऑप्शन के साथ ये बाइक आती है, स्टैंडर्ड वाला ही वेरिएंट आता है, 77,000 रुपीस की ये बाइक ऑन रोड दिल्ली के अंदर पड़ जाती है, जिसके अंदर ड्रम ब्रेक्स एंड डिस्क का ऑप्शन इसके अंदर नहीं दिया गया है, बट बाइक के अंदर अलॉय व्हील्स मिलते हैं, तो बाइक थोड़ी सी मॉडर्न दिखाई पड़ जाती है। फाइनली आ गई सबसे ज्यादा पैसा वसूल मोटरसाइकिल, ये बाइक 100 सीसी के अंदर राज करती है, क्योंकि ये इंडिया की नंबर वन मोटरसाइकिल है। ये बाइक है हीरो की स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक, जिसको मैंने हाल ही में राइड भी किया है, वीडियो भी बनाई है, अगर नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, और अगर वीडियो नहीं आई है तो अभी कभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी ये वीडियो आने वाली है। ये बाइक बहुत कमाल की है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस बाइक के अंदर वेट भी काफ़ी कम है, बट पावर वगैरह बहुत अच्छी है, कंफर्ट अच्छा मिल जाता है। 112 kg का इसका वेट है, 9.8 लीटर का फ्यूल टैंक इसका मिल जाता है। मैंने इस बाइक को 105 से 120 किलोमीटर पर लीटर तक इसका माइलेज भी चेक किया है, क्योंकि इस बाइक के अंदर आप लोग को मीटर के ही अंदर फर्स्ट टाइम इन सेगमेंट है रियल टाइम माइलेज चेक करने का भी ऑप्शन मिलता है, जो साथ साथ चेंज होता रहता है। और फर्स्ट सेगमेंट फीचर यह है कि इस बाइक के अंदर आप लोग को फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, जो आप लोग को 100 सीसी की बाइक में जल्दी देखने को नहीं मिलता है। इस बाइक के अंदर आप लोग को मिलती है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, जिसके साथ आप लोग कॉल का फीचर देख सकते हैं, SMS के अलर्ट्स मिल सकते हैं, और तो और आप लोग को नोटिफिकेशन भी आ जाती है कि आप लोग की बैटरी वगैरह कितनी है, वो सारी चीज़ें भी आप लोग को इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिख जाती है। और तो और ये बाइक 100 सीसी के साथ आती है, जहां पर इस बाइक की जो पावर है वो 7.9 bhp की है और 8.5 Nm का इस बाइक के अंदर
टॉर्क मिल जाता है। बाइक काफी लाइट वेट है, कंफर्टेबल सी है, फीचर्स की लिस्ट काफी लंबी है और काफी तगड़ी भी है, क्योंकि इस बाइक के अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आप लोग इस बाइक को मोबाइल ऐप से कनेक्ट करके काफी सारे फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप लोग चाह रहे हैं एक एडवांस सी बाइक, एक मॉडर्न लुक वाली बाइक जो 100cc में आती हो, पैसा वसूल हो, अच्छा माइलेज देती हो, तो फिर आप लोग इसके लिए जा सकते हैं। बाकी जो क्लेम माइलेज है वो तो 80 किलोमीटर पर लीटर के आसपास है, बट इस बाइक को मैंने जो टेस्ट किया है वो आप लोग मेरे राइड रिव्यू में जाकर देख सकते हैं। जब मैंने बाइक को टेस्ट किया है तो कितना माइलेज इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिखाई दे रहा था, आप लोग देख के हैरान रह जाएंगे। बाकी यहाँ पर कलर ऑप्शंस की बात होती है तो यहाँ पर इस बाइक के अंदर आप लोग को 2 से 3 कलर ऑप्शंस बाइक के अंदर मिल जाते हैं। सस्पेंशन जो है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, रियर में नॉर्मल आप लोग को जो सस्पेंशन होते हैं डुअल शॉक वाले वो इसके अंदर मिलते हैं। बाकी बाइक के अंदर आप लोग को ड्रम ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी बाइक के अंदर i3 टेक्नोलॉजी भी मिलती है, एक्सेंस टेक्नोलॉजी मिलती है, काफी सारी है चीजें हैं, ऐसे फीचर्स हैं जो इस बाइक के अंदर मिलते हैं। डिटेल में देखना चाहते हैं, सामने से बाइक को देखना चाहते हैं तो जाइए उस वीडियो को जरूर चेकआउट करिए। और ये बाइक का जो प्राइस है दिल्ली के अंदर आप लोग को 91,000 रुपीज के आसपास ऑन रोड पड़ जाता है। तो यहां तक तो आप लोग ने देख लिया कि अब ये कौन सी बाइक्स हैं जो आप लोग को अंडर 1 लाख रुपीस इंडियन मार्केट में अप्रोक्सीमेटली मिल जाती हैं और आप लोग को अच्छा माइलेज दे देती हैं, कितने अच्छे फीचर्स कौन सी बाइक देती है, कितने अच्छे लुक्स ऑफर करती है। तो इनमें से बहुत सारी वीडियो को तो मैं ऑलरेडी रियल लाइफ वीडियो भी बना चुका हूँ, टेस्ट करके भी दिखा चुका हूँ। अगर नहीं देखी है तो मोटोनॉमिक्स डालिए, बाइक का नाम डालिए, आप लोग को वीडियो मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में यही था जहाँ पर मैंने आप लोग को इन बाइक्स के बारे में डिटेल शेयर करी है। उम्मीद है आप लोग डिसाइड कर चुके होंगे कि आप लोग को कौन सी बाइक के लिए जाना है, बट अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, Faraz23 पर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर Motonomics1 डालकर आप लोग Motonomics को फॉलो कर सकते हैं, या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप लोग Motonomics1 डालेंगे, Motonomics आपको वहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ पर मैसेज करिए, मुझसे बातचीत करिए, जो भी डाउट है क्लियर कर लीजिए। और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई बातचीत करनी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आप लोग को बता दूंगा। और हाँ, अगर आप लोग किसी और स्टेट से हैं, मैंने प्राइस दिल्ली के बताए हैं, बट अगर आप यूपी से हैं, MP से हैं, महाराष्ट्र से हैं, कहीं से भी हैं, अगर आप लोग वहाँ का प्राइस जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी का नाम लिख दीजिए, मैं आपको वहाँ का प्राइस भी बता दूंगा हमेशा की तरह। तो आज की इस वीडियो में यही था, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव ऑटो कंटेंट के साथ। और कौन सी वीडियोज़ देखना चाहते हैं बताना बिल्कुल भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।